for today's class with a new chapter of Grammar Pad, that is chapter 3. In this chapter, we discuss these, that, these and those. Usage of these, that, these and those. These, that और these, those में क्या अंतर होता है, ये आप जब 12th में या आगे हायर स्टडीज भी करेंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा आपको काम आएगा. तो इसे अच्छे समझना कि दीज और दैट में और दीज और दोज में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. THIS, दीज. अगर कोई भी एक या सिंगल ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं दीज. वन सिंगल ऑब्जेक्ट नियर टू अस, वी यूज दीज. वन ऑब्जेक्ट नियर टू अस, कितने होने चाहिए? वन सिंगल क्वांटिटी होनी चाहिए जो कि हमारे पास हो, तो हम यूज़ करते हैं दिस को. ठीक है, और अगर कोई एक चीज़ हमसे दूर हो, क्या हो? हमसे दूर, फार फ्रॉम अस. और कितनी चीज़ें? वन सिंगल ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम अस, यूज़ दैट. अगर कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट या एक सिंगल पर्सन हमसे दूर है तो हम क्या यूज़ करेंगे? दैट. क्या यूज़ करेंगे? दैट. ऐसे ही एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट, से वन टू, टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर, टू एप्पल्स आर देयर, मोर देन वन, वी कैन से दिस, मोर देन वन, एक से ज़्यादा चीज़. और कैसी? नियर टू अस. कैसी? नियर, पास, हमारे पास. मोर देन वन ऑब्जेक्ट नियर टू अस, वी यूज दीज. ओके, THIS, दीज. अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं और हमारे पास हैं तो हम यूज़ करेंगे THIS, दीज. ऐसे ही मोर देन वन थिंग, एक से ज़्यादा, मोर देन वन ऑब्जेक्ट, पर कैसा होना चाहिए? दूर, फार फ्रॉम अस, वी यूज दोज, THIS, दोज. मोर देन वन, एक से ज़्यादा है ये और हमसे दूर है, है ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे? दोज. सो इन आवर लैंग्वेज वी कैन से दिस इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल, दीज आर एप्पल्स एंड दोज आर एप्पल्स. ओके, देखिए, अब देखिए, सिंगल जब चीज़ें होती है तो दीज और दैट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इज का. ओके, और दीज और दोज के साथ हम यूज़ करते हैं आर का. ओके, दिस इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल, दीज आर एप्पल्स, दोज आर एप्पल्स. ठीक है, एक चीज़ हमारे पास है तो दिस, एक चीज़ हमसे दूर है दैट, एक से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास है तो दीज, और एक से ज़्यादा चीज़ें हमसे दूर हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? दोस. इन्हें अच्छे से हम समझेंगे और इसका यूज़ करेंगे हम हमारी बुक में. ठीक है, तो अपनी बुक का पेज नंबर 53 निकालिए और एक्सरसाइजेस स्टार्ट कीजिए. उसमें हम अच्छे समझेंगे कि दिस डेट को कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है और उनके साथ हम सेंटेंस कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो किड्स, लेट्स स्टार्ट. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज थर्ड चैप्टर करेंगे दिस, दिस, दैट, दोस, इनका यूसेज पढ़ेंगे. दिस इज़ पेज नंबर 53 ऑफ योर बुक, आपकी पर्स सेमेस्टर टू बुक का पेज नंबर 53 है ये. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस और दीज. अब देखिए, THIS, दिस और THIS, दिस से हमें फिलिंग करना है. अब आप सोच रहे होंगे कि हम वन वर्ड से कैसे फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट करेंगे? THIS, दिस सिंगल चीज़ के लिए लगता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बोर्ड पे भी समझाया, वन ऑब्जेक्ट के लिए, और वन से ज़्यादा होते हैं तो हम THIS, दिस का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब हमें सिंगुलर और प्लूरल देख के दिस और दिस फुलफिल करना है. जैसे फर्स्ट दिया है चेयर्स, चेयर्स क्या है? प्लूरल फॉर्म है, तो हम क्या लिखेंगे? THIS, दिस. ब्लैक बोर्ड, एक ही है, सिंगल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे THIS, दिस. चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल होता है. अगर एक होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड चाइल्ड, एक बच्चे के लिए हम यूज़ करते हैं चाइल्ड, और एक से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? THIS, दीज.
फ्लावर्स प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम लिखते हैं दीज. रूम सिंगल है तो सिंगल के लिए हम लिखेंगे THIS दीज. अब ये जो बाकी की 6 to 10 एक्सरसाइज है ये आपको होमवर्क में खुद से करना है. जैसा कि मैंने इधर आपको सिंगल और प्लूरल के बारे में बताया वैसे ही यहाँ पे देखना. बुक है सिंगल ऑब्जेक्ट है, बैग्स प्लूरल है, टीचर सिंगल है, वास सिंगल है, बेड्स प्लूरल है ना. तो सिंगुलर और प्लूरल देख के आपको ये कंप्लीट करना है. दिस इज होमवर्क फॉर यू. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद दैट और दोज. दैट विंडो. अब दैट और दोज में भी वही डिफरेंस होता है जो दिज और दैट दिज में होता है. दैट हम एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं और दोज एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं. विंडो सिंगल है तो दैट यूज़ किया है. बुक्स मोर देन वन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, दोज बुक्स. शॉप दैट शॉप. जंगल दैट जंगल. क्लाउड्स दोज क्लाउड्स. ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल देख के आपको फिल करना है. डोर्स प्लूरल है, ये सिंगल है तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, दैट. डोर्स प्लूरल है तो हम ये यूज़ करेंगे THOSE दोज. ठीक है, देन स्वीट्स दोज स्वीट्स. एस या एस फॉर्म से हमें पता चल जाता है कि सिंगुलर है प्लूरल है. एनिमल दैट एनिमल. काइट्स एस लगा है प्लूरल फॉर्म है तो हम लिखेंगे यहाँ पे THOSE दोज. नॉट सी नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर सी. लुक एट द एग्जाम्पल एंड चेंज दिस टू दिस. THIS दिस को THESE दिस में हमें चेंज करना है. अब आप सोच रहे होंगे कैसे करेंगे ये. देखिए दिस पब THIS दिस पब तो हम ये जो वर्ड है इसका प्लूरल फॉर्म अगर लिखेंगे तो हम यहाँ पे THIS की जगह THESE लिख सकते हैं. जैसे यहाँ लिखा है THESE दिस PUPS पब्स दिस पब्स. ठीक है, THIS दिस की जगह हमने लिखा दिस और पब की जगह लिखा पब्स. ऐसे ही आगे देखिए. अब देखिए THIS दिस की जगह हमने इसका प्लूरल फॉर्म लिखा है दिस. बर्ड की जगह हमने लिखा है बर्ड्स. इन द सेम वे दिस प्लांट्स PLANTS प्लांट्स. दिस THESE दिस trees TREES trees. Then here we will write these cups these houses 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 these boys BOYS boys. इज इट क्लियर. जो फर्स्ट वर्ड है THIS उसकी जगह हमने लिखा THESE और जो नेक्स्ट वर्ड है उसका हम प्लूरल फॉर्म लिखेंगे. जैसे शिप का शिप्स, कप कप्स, हाउस हाउसेस, बॉय बॉयज. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी. फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस और दिस. अब हमें फिर से फिल करना है दिस और दिस. जैसा कि मैंने पहले भी बताया चाहे सेंटेंस में हो या सिंगल वर्ड हो हमें सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल देख के दिस और दिस फिल करना है. आई लाइक दिस फ्लावर्स. ड्रेसेस क्या है, प्लूरल है. आई लाइक THESE दिस ड्रेसेस. अब देखिए पॉट हैज़ फ्लावर्स. पॉट क्या है, सिंगल है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे THIS दिस. दिस पॉट हैज़ फ्लावर्स. इस पॉट में बहुत सारे फूल हैं. हमें ये वाला वर्ड देखना है, पीछे वाला वर्ड नहीं देखना है. पोर्ट्स आर एम्प्टी THESE दिस. क्योंकि पोर्ट नहीं है यहाँ पे क्या लिखा है पोर्ट्स. दिस पोर्ट्स आर एम्प्टी. ये सारे पोर्ट कैसे हैं, खाली हैं. पाइनएप्पल इज स्वीट. दिस पाइनएप्पल इज स्वीट. यह पाइनएप्पल मीठा है. टोमेटोज ES फॉर्म है यानी कि प्लूरल है. टोमेटोज आर रेड तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम THESE दीज टोमेटोज आर रेड.
फिल इन द ब्लैंक्स विद दैट और दोज. दैट और दोज के यूसेज से हमें फिल करना है. दैट गर्ल लाइक्स शिपिंग. अब जो ब्लैंक स्पेस के बाद वाला वर्ड है वो हमें देख के और फिल करेंगे, ठीक है. बॉयज प्लूरल फॉर्म है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, THOSE, दोज बॉयज आर इन फुटबॉल टीम. डी इज ए स्टोरी बुक. अब मैंने आपको बोर्ड पे बताया है अभी कि इज हम सिंगल के लिए यूज़ करते हैं, है ना, और प्लूरल के लिए क्या यूज़ करते हैं, आर, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉरी, दैट इज अ स्टोरी बुक. सिंगल के लिए दैट यूज़ होता है और पास से अगर कोई चीज़ तो THIS दिस यूज़ होता है ना, और मोर देन वन के लिए आर यूज़ होता है, ठीक है. जैसे दोज आर, दैट इज, अब यहाँ पे आर दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोज, THOSE, दोज. मोर देन वन ऑब्जेक्ट फार अवे फ्रॉम अस, एक से ज़्यादा चीज़ें हमसे दूर है तो क्या लिखेंगे, दोज आर टेडी बियर्स, दोज आर टेडी बियर्स. इज लिखा है यानी कि सिंगल ऑब्जेक्ट है तो हम क्या लिखेंगे, दैट. दैट इज हर पेंसिल. टॉयज मोर देन वन है तो क्या लिखेंगे, THOSE, दोज. दोज टॉयज आर माइन, वे मेरे खिलौने हैं, वो सब मेरे खिलौने हैं. अब देखिए अभी तक हमने क्या किया था, सिंगल वर्ड को चेंज किया था, है ना. अब हमें पूरे सेंटेंस को चेंज करना है. अब जब हम THIS दिस से THESE दिस पे शिफ्ट करते हैं तो हमने देखा था कि हम दिस की जगह दिस यूज़ करने के साथ जो हमारा नाउन दिया है उसको हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, है ना, और जो ये इज़ है वो हो जाता है आर. जैसे दिस इज़ अ फ्रॉक की जगह हम क्या लिखेंगे, दिस आर फ्रॉक्स. इज बन जाएगा आर और फ्रॉक बन जाएगा फ्रॉक्स. इन द सेम वे दिस इज अ फ्लावर तो दिस हो जाएगा THESE दिस. इस की जगह हम लिखेंगे आर. दिस आर फ्लावर की जगह लिखेंगे हम फ्लावर्स. दिस आर फ्लावर्स. दिस इज अ मैट. THESE दिस. इस की जगह हो जाएगा आर और मैट की जगह क्या हो जाएगा, मैट्स. दिस आर मैट्स. दिस इज अ शू. These are shoes. THIS दिस की जगह हो जाएगा THESE दिस. इस की जगह हो जाएगा आर और शू की जगह हो जाएगा शूज. दिस आर शूज. और ए हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सिंगल नहीं है. सिंगल है तो ए लगेगा, सिंगल नहीं है तो ए नहीं लगेगा. दिस आर शूज, ठीक है. अब बाकी के जो फोर सेंटेंस बचे हुए हैं, दिस इज चेयर, दिस इज़ बैंगल, दिस इज नोटबुक, दिस इज़ अ कंप्यूटर, इन सबको आपको चेंज करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है. चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, दिस की जगह दिस का यूज़, अब यहाँ हमें क्या चेंज करना है, दोस टू दैट. दोस को हमें दैट में यूज़ करना है, यानी कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें हमने दिस को सिंगुलर को प्लूरल बनाया था, अब हमें प्लूरल फॉर्म को सिंगल बनाना है. दोज रैबिट्स आर वाइट. अब दोज की जगह अगर हम दैट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, दैट. रैबिट्स में से भी एस हट जाएगा तो क्या रहेगा, रैबिट. आर की जगह सिंगल फॉर्म में हम यूज़ करेंगे इस और वाइट. दैट रैबिट इज वाइट. दैट रैबिट इज वाइट. सेकेंड सेंटेंस, दिस की जगह हम लिखेंगे दैट, सॉरी, दोज की जगह हम लिखेंगे दैट. दोज मंकीज की जगह हम लिखेंगे मंकी, सिंगल फॉर्म. यहाँ प्लूरल फॉर्म दिया है, यहाँ पे हम मंकी लिखेंगे. आर की जगह हम लिखेंगे इज, क्योंकि प्लूरल के साथ आता है इज. सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा इज आता है, नो टी. जो वर्ब है वो सेम रहेगा. दैट मंकी इज नो टी. दैट मंकी इज नो टी. दोज पिकॉक्स आर ब्यूटीफुल. इसकी जगह क्या हो जाएगा ये, दैट. पिकॉक्स की जगह हो जाएगा पिकॉक. आर की जगह हो जाएगा इज ब्यूटीफुल. दैट पिकॉक इज ब्यूटीफुल. जैसा हमने ऊपर वाले सेंटेंसेस में किया था उसका बिल्कुल उल्टा करना है, ठीक है. इसमें भी कुछ सेंटेंसेस और बचे हैं जो आप खुद से करेंगे. आपको सिर्फ क्या करना है, दोस्त की जगह दैट लिखना है, जो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म दिया है उसका सिंगुलर फॉर्म लिखना है, और आर की जगह इज लिखना है. बाकी जो लास्ट वर्ड है, ब्यूटीफुल, नोटी, वाइट, ये सब सेम रहेंगे. तो किड्स,
ये सारा वर्क आप कंप्लीट कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल है और जैसा कि मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया कि आपको हमेशा काम आएगा कि दिस दैट दिस दोज में क्या डिफरेंस होता है, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसलिए मैंने ये सेंटेंसेस आपको होमवर्क दी हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितना समझ में आया है। थैंक यू।